भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु की कामना से व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। इस बार हरतालिका तीज का त्यौहार 30 अगस्त यानी मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखने के साथ ही भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत कैसे रखें और इस दौरान क्या कुछ सावधानियां रखें, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। वाराणसी के जाने माने विद्वान स्वामी कन्हैया महाराज ने बताया कि इस दिन महिलाएं पूरे दिन बिना अन्न जल के व्रत रखती हैं और फिर शाम होने के बाद सूरज श्रृंगार कर शिव मंदिर में पूजन करती हैं और पूजन के दौरान महिलाएं कथा सुनने के बाद माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान और भगवान भोले को बेलपत्र, चंदन, धतूरा और सफ़ेद फूल की माला अर्पित करते हैं। है कि ऐसा करने से भगवान शंकर और माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं और सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वर देती हैं। यह स्त्रियों का बहुत ही परम प्रिय त्यौहार है। जो कुंवारी कन्याएं मनचाहा व्रत चाहती हैं वो यदि व्रत को करती हैं तो उनको एक अच्छा पति की प्राप्ति होता है, सुखमय जीवन मिलता है। जो गृहस्थ महिलाएं हैं जिनकी विवाह शादी हो चुके हैं, यदि वो चाहती हैं मेरे पति स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी रहें और वो सुहागिन ही रहें, इसके लिए इस मनोकामना की पूर्ति के लिए यह तीज व्रत किया जाता है। तीज व्रत करने से स्त्रियां सुहागिन रहती हैं, उनके पति स्वस्थ दीर्घजीवी रहते हैं और ऐसा धार्मिक मान्यता है कि ऐसी स्त्रियां कभी वैधव्य के दुख को नहीं झेलती। यही वजह है कि महिलाएं इस कठिन व्रत को रखती हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शंकर को पाने के लिए माँ पार्वती ने भी इस व्रत को रखा था। यही वजह है कि सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना को लेकर इस व्रत को करती हैं और जबकि कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए भी इस पूजा और व्रत को करती हैं। जल का सेवन किया जाता है, ना अन्न का सेवन किया जाता है, ना निद्रा का भी त्याग कर दिया जाता है। इसलिए यह पूजा या व्रत जो है बहुत भारी होता है, किसी स्त्री के लिए परीक्षा घड़ी होती है क्योंकि उस दौरान वो कुछ नहीं कर सकती, केवल शिव का नाम ले सकती है, तो बहुत कठिन होता है। एक तरह का निर्जला व्रत होता है जिसमें स्त्रियाँ करती हैं और इस कठोर व्रत के फलस्वरूप उनको एक मनचाहा वर की प्राप्ति होती है और उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय बीतता है।